hello students i am your math teacher again i am here to teach you your math subject today i am going to teach you your practice book uh, chapter 11 numbers yeah, your chapter 11 practice book here are some assignments which we solve so this is your first assignment assignment 1 numbers from 51 to 70 इस वाले असाइनमेंट में हम नंबर्स पढ़ेंगे फिफ्टी वन टू सेवेंटी इसमें आप देख रहे हो कि कुछ बंडल और स्टिक्स दी गई हैं जिसमें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ जो बंडल्स हैं उन्हें हम टेंस काउंट करेंगे और ये जो सिंगल स्टिक्स दी गई हैं उन्हें हम वंस में काउंट करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो फिल इन द सर्कल्स यहाँ पे जो सर्कल्स दी गई हैं उन्हें हमें फिल करना है आप देख रहे हो कि एक सर्कल के बाद टेंस लिखा हुआ है और दूसरे के बाद वन या फिर वंस लिखा हुआ है तो जो भी बंडल्स हैं उन्हें हम काउंट करके टेंस में लिख लेंगे और जो हमारी सिंगल स्टिक्स हैं उन्हें हम वंस में लिख लेंगे तो यहाँ पे कितनी बंडल्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव इट मीन्स कि यहाँ पे टेंस कितनी है फाइव तो यहाँ पे हम फाइव टेंस लिख लेंगे उसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे सिंगल स्टिक्स कितनी हैं वन है तो यहाँ पे हम इसे वंस में लिख लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा फाइव टेंस एंड वन वन इज इक्वल टू फिफ्टी वन नेक्स्ट है आप देख लो इसी तरीके से हम बाकी को भी सॉल्व करेंगे यहाँ पर कितनी बंडल्स हैं सो वन टू थ्री फोर फाइव फाइव बंडल्स हैं तो इसे हम फाइव टेंस में लिख लेंगे और यहाँ पर सिंगल स्टिक्स कितनी हैं तो यहाँ पर सिंगल स्टिक्स भी फाइव हैं तो यहाँ पर हम फाइव वन लिख लेंगे इट मीन्स कि फाइव टेंस एंड फाइव वन इज इक्वल टू फिफ्टी फाइव नेक्स्ट फिर से हम टेंस को काउंट करेंगे मीन्स की बंडल्स को काउंट करेंगे तो यहाँ पे कितनी बंडल्स हैं फाइव बंडल्स हैं जैसे कि हम टेंस में लिख लेंगे मीन्स फाइव टेंस और जो हमारी सिंगल स्टिक्स हैं तो उसे हम काउंट कर लेंगे यहाँ पे सिंगल स्टिक कितनी है सेवन तो इसे हम वंस में लिख लेंगे तो फाइव टेंस एंड सेवन वंस इज इक्वल टू फिफ्टी सेवन नेक्स्ट फिर से हम बंडल को काउंट करेंगे तो यहाँ पे भी फाइव बंडल्स हैं तो इसे हम टेंस में लिख लेंगे मीन्स फाइव टेन्स और जो सिंगल स्टिक्स फोर है उन्हें हम वंस में लिख लेंगे सो फाइव टेंस एंड फोर वंस इज इक्वल टू फिफ्टी फोर नौ नेक्स्ट यहाँ पे वंस बंडल जो हैं उन्हें हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे थ्री एंड थ्री सिक्स बंडल्स हैं तो यहाँ हम इसे टेंस में लिख लेंगे मीन्स सिक्स टेंस और यहाँ पे टू सिंगल स्टिक्स हैं जिसे हम वंस में लिखेंगे मीन्स टू वंस सो सिक्स टेंस एंड टू वंस इज इक्वल टू टोटल कितने हो जाएंगे सिक्सटी टू नेक्स्ट इसी तरीके से हम सेकेंड लाइन के भी सारे बंडल्स और सिंगल uh, स्टिक्स को काउंट करेंगे तो यहाँ पे हैं सिक्स टेंस तो यहाँ पे हम सिक्स लिख लेंगे यहाँ पे थ्री सिंगल स्टिक्स हैं जिसे हम वंस में लिखेंगे सो टेंस एंड थ्री वंस इज इक्वल टू सिक्सटी थ्री नेक्स्ट यहाँ पे बंडल्स कितनी है सिक्स है तो जिसे हम टेंस में लिखेंगे और यहाँ पे सिंगल स्टिक्स कितनी है तो यहाँ पे सिंगल स्टिक्स है थ्री थ्री सिक्स सेवन तो यहाँ पे हम सेवन वंस लिख लेंगे तो ये हो जाएगा टेंस एंड सेवन वंस नेक्स्ट यहाँ पर ये कितनी से बंडल्स हैं सिक्स बंडल हैं जिसे हम टेंस में लिखेंगे और यहाँ पे सिंगल स्टिक्स कितनी है तो यहाँ पे सिंगल स्टिक्स फाइव हैं जिसे हम वंस में लिखेंगे सो सिक्स टेंस एंड फाइव वंस इज इक्वल टू टोटल हो जाएंगे सिक्सटी फाइव नेक्स्ट यहाँ पे सिंगल स्टिक्स कितनी है सिक्स सॉरी बंडल्स कितनी है सिक्स तो यहाँ पे हम सिक्स टेंस लिखेंगे और यहाँ पे सिंगल स्टिक्स कितनी है फोर तो उसे हम वंस में लिख लेंगे सो सिक्स टेंस एंड फोर वंस इज इक्वल टू सिक्सटी फोर ना दिस इज़ योर नेक्स्ट असाइमेंट असाइमेंट टू नंबर्स फ्रॉम सेवेंटी वन टू नाइन्टी इस वाले असाइमेंट में हम नंबर्स लेंगे सेवेंटी वन टू नाइन्टी में यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो सर्कल्स दी गई हैं उसके साइड में टेंस और वन लिखा हुआ है तो जो भी बंडल्स हैं उन्हें हम टेंस में काउंट करके लिख लेंगे और जो हमारी सिंगल स्टिक्स हैं उन्हें हम वंस में लिखेंगे सो यहाँ पे आप देख रहे हो कितनी बंडल्स हैं सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन यहाँ पे बंडल्स कितनी हैं सेवन मीन्स कि यहाँ पे टेंस कितना है सेवन तो यहाँ पे हम सेवन टेंस लिख लेंगे और सिंगल स्टिक वन है इट मीन्स सेवन टेंस एंड वन वन इज इक्वल टू हो जाएगा सेवेंटी वन नेक्स्ट वाली लाइन में बंडल्स कितनी हैं सेवन और सिंगल स्टिक्स कितनी हैं थ्री इट मीन्स सेवन टेंस एंड थ्री वन इज इक्वल टू सेवेंटी थ्री नेक्स्ट यहाँ पे सेवन बंडल्स हैं और फोर वंस हैं। इट मीन्स सेवन एंड फोर वंस इज इक्वल टू सेवेंटी फोर नेक्स्ट वाले में भी कितनी बंडल्स हैं तो यहाँ पे सेवन बंडल्स हैं और टू सिंगल स्टिक्स है इट मीन्स सेवन टेंस एंड टू वंस इज इक्वल टू सेवेंटी टू नौ लास्ट यहाँ पे कितने हैं सेवन है तो यहाँ पे हम सेवन लिख लेंगे और यहाँ पे ये सिंगल स्टिक्स कितनी है फाइव है तो यहाँ पे हम वंस में लिख लेंगे सो सेवन टेंस इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव ना सेकेंड लाइन यहाँ पे आप देख रहे हो कि वन जो बंडल्स हैं वो कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट यहाँ पे बंडल्स एट हैं जिसे हम टेंस में लिखेंगे और जो सिंगल स्टिक्स हैं वो फाइव हैं जिसे हम वंस में लिखेंगे सो एट टेंस एंड फाइव वंस इज इक्वल टू एटी फाइव नेक्स्ट में आप देख रहे हो कि कितनी बंडल्स हैं एट बंडल्स हैं और सिंगल स्टिक्स कितनी हैं थ्री सो एट टेंस एंड थ्री वंस इज इक्वल टू एटी थ्री नेक्स्ट वाली लाइन में भी बंडल्स कितनी हैं एट और सिंगल स्टिक्स कितनी हैं सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट यहाँ पे सिंगल स्टिक्स भी एट है सो एट टेंस एंड एट वन इज इक्वल टू एटी एट ना नेक्स्ट यहाँ पे भी बंडल्स कितनी हैं एट और सिंगल स्टिक्स कितनी है फोर सो एट टेंस एंड फोर वन इज इक्वल टू एटी फोर ना लास्ट वाले में भी आप देख रहे हो कि बंडल्स कितनी हैं एट और सिंगल स्टिक्स कितनी है नाइन तो यहाँ पे एट टेंस एंड नाइन वंस इज इक्वल टू एटी नाइन ना दिस इज योर नेक्स्ट असाइनमेंट असाइनमेंट थ्री नंबर्स फ्रॉम नाइन्टी वन टू हंड्रेड इसमें आपका नंबर्स दिया हुआ है नाइन्टी वन टू हंड्रेड आप देख रहे हो कि फर्स्ट क्वेश्चन है कम्प्लीट द नंबर सिक्वेंस फ्रॉम नाइन्टी वन टू हंड्रेड यहाँ पर हमें नंबर सिक्वेंस को क्या करना है कम्प्लीट करना है सो नाइन टेंस एंड वन वंस नाइन्टी वन ना नाइन टेंस एंड टू वंस नाइन्टी टू नेक्स्ट नाइन टेंस एंड थ्री वंस नाइन्टी थ्री नेक्स्ट नाइन टेंस एंड फोर वंस नाइन्टी फोर Next 9 tens and 5 ones 95. Next 9 tens and 6 ones 96. Next 9 tens and 7 ones 97. Next 9 tens and 8 ones is equal to 98. Next 9 tens and 9 ones is equal to 99. And 100 0 tens and 0 ones is equal to 100. Now, second question. राइट द मिसिंग नंबर इन इच रो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ नंबर्स जो है वो से मिसिंग है उन्हें हमें फील करना है सो फिफ्टी वन के बाद आता है फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर ऑलरेडी लिखा हुआ है फिफ्टी फाइव फिफ्टी सिक्स नेक्स्ट वाले में आप देख रहे हो कि सिक्सटी थ्री लिखा हुआ है और उसके पीछे दो है बॉक्सेस जो हैं वो खाली हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिक्सटी वन सिक्सटी टू सिक्सटी थ्री सिक्सटी फोर सिक्सटी फाइव एंड सिक्सटी सिक्स नेक्स्ट सेवेंटी थ्री लिखा हुआ है तो उसके आगे की हम लिखेंगे सो सेवेंटी फोर सेवेंटी फाइव सेवेंटी सिक्स सेवेंटी सेवन एंड सेवेंटी एट नेक्स्ट में एटी वन एटी टू एटी थ्री एटी फोर एटी फाइव एटी सिक्स और यहाँ लास्ट है कंप्लीट द वन टू हंड्रेड नंबर ग्रिड बाय राइटिंग द मिसिंग नंबर्स यहाँ पे आपको काउंटिंग लिखनी है वन से हंड्रेड तक आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड थैंक यू